दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में पूजा पाठ की मांग करने वाली याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। जानकारी के मुताबिक साकेत कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, जो अब 24 मई को होगी। जानकारी के मुताबिक केस से जुड़े वकील विष्णु शंकर दिल्ली में मौजूद नहीं है, जिस कारण सुनवाई को 24 मई तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल याचिका में दावा किया गया है कि मस्जिद परिसर में हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिर हैं। इस मामले में एक पक्ष की दलील है कि कुतुब मीनार के भीतर बनी मस्जिद हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, ऐसे में वहां फिर से मूर्तियां स्थापित कर पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। इससे पहले बीती 10 मई को हिंदूवादी संगठनों ने कुतुब मीनार के सामने प्रदर्शन कर पूजा अर्चना की मांग की थी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भगवान गोयल ने दावा किया था कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, जिसे महान राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। आपको आगे बता दें कि कुतुब मीनार ऐबक ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की। परिसर में 27 मंदिर थे और उनके ऐबक ने नष्ट कर दिया था। इन सबके प्रमाण उपलब्ध है, क्योंकि कुतुब मीनार परिसर में रखी हुई हिंदू देवताओं की मूर्तियों को लोग देख सकते हैं। हमारी मांग है कि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ नाम दिया जाना चाहिए। बीते महीने दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार से गणेश की दो मूर्तियों को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। अदालत ने कहा था कि अपील करने वालों की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रतिवादियों से अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने की गुजारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।